इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।
माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र नान्यम जाने जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जन के जग काज कल समुद्र बोलत प्रगट सब सी राम मय सब जग जान करम प्रणाम जोरी जुग पानी रज राम चंद्र भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग बोहरा परिवार चंद्रशेखर बाबू बोहरानी उपस्थित सभी परिवारीजन श्रोता भाई बहन भगवान भूत बावन के आज विवाह के पावन पर्व पर आप सभी श्रोता भाई बहन को बहुत बहुत बधाई, शुभ संदेश, प्रभु प्रार्थना। भगवान शिव पार्वती हमारे आपके गृहस्थी में भी नवभाव का संचार करें, ऐसी विनती। यह बाबा की रात्रि है, शिवरात्रि को रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, इसलिए इसको शिवरात्रि कहा गया। बाबा का कोई भी उत्सव दिन में नहीं होता है, रात्रि में होता है। आज भर हम आपको सुनाएंगे, फिर कल से पूछेंगे क्या सुनाऊं। शिव समान दाता नहीं विपत मिटावन हार, लज्जा मोरी राखे हैं बसहा के असवार असवार। एको मात्रा बिगड़ल तो बिगड़ जाए। शिव जी के अनेक नाम हैं। शिव माने कल्याण, हर माने विपत्ति हरने वाले, शंभु माने अशांति को शांत करने वाले, शंकर माने विकारों का शमन करने वाले। शंकर अंग की मात्रा को म भी पढ़ते हैं, अंग भी पढ़ते हैं। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग, कई लोग कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। तो ऐसे कल्याण के देवता भगवान भूत भावन शिव व्याह करके कैलाश पधारे।
कैलाश बड़ा उच्च है, बड़ा अद्भुत है, परम रम्य गिरिवर। आप में से कई लोग गए होंगे, हम लोग जाने वाले हैं। कुछ बापू तो 4-5-6 बार हो आए, जाते रहते हैं, कैलाश से बड़ा लगाव है, जाते रहते हैं। तो कैलाश का दिव्य शिखर भगवान शिव, गणेश भगवान के पहले कार्तिक भगवान का जन्म हुआ, खडानन महाराज का। कार्तिक स्वामी का जब जन्म हुआ तो देवताओं के सेनापति भय और तारकासुर का वध हो गए। मनुष्य के शरीर में भाई बहन तप से कुछ भी संभव है। इम्पॉसिबल को हम कहा करते हैं आई एम पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं, तप से कुछ भी संभव है। जैसे जप से सिद्धि संभव है, वैसे तप से भी सिद्धि संभव है। जीवन में भगवत स्मरण बना रहा, भगवान का भजन बना रहा तो कुछ भी संभव है। आवश्यकता है जीवन के निर्मलता की। आज मैं पुराण दर्शन कर रहा था प्रभात बेला में, तो उसमें लिखा एक जगह कि हमारे अनुष्ठान में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम कितना शुचिता से रहते हैं और करते हैं। हमारे जीवन में जितनी शुद्धता होगी, शुचिता होगी, उतना अनुष्ठान का फल हमको शीघ्रता से, दिव्यता से प्राप्त होगा। इसमें आहार, विहार, रहना, व्यवहार, संस्कार सब आता है। शुचिता, एक झांकी आप किसी भी पुराण में भगवान शिव के चरित्र की देखेंगे, अलौकिक है जीवन, अद्भुत है गृहस्थी। वैसे तो हमसे आपसे व्यस्त कौन है, शिव जी के पास काम है क्या है? कल्पना करिए एक फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री का कोई मुखिया होगा जो उसको संचालन करेगा, जो देखेगा सारे विभाग उसके कंट्रोल में होते हैं, जो MD हो, GM हो उसके। फिर हर विभाग का अलग अलग वो अधिकारी रखता है, AGM फलां, AGM सप्लाई, AGM डिस्ट्रॉय डिपार्टमेंट, फिर AGM फॉर्मेशन निर्माण कौन करेगा, डिस्ट्रॉय कौन करेगा, फिर AGM मार्केटिंग इसको बाहर कौन करेगा, अनेक विभाग होते। इसमें सबसे कठिन विभाग है जो कूड़ा करकस हटावे। सबकी छुट्टी हो जाएगी, उस AGM की छुट्टी नहीं होती, वो रविवार को भी उसकी ड्यूटी है, क्योंकि मंडे को प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। डिस्ट्रॉयर ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी निर्माण करते, भगवान विष्णु पालन करते और भगवान शिव समन्वय करते। समन्वय डिपार्टमेंट जिसके पास है उसके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी सब काम करते हुए शिव बाबा भगवत भजन में लगे रहते हैं। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बाबा कम व्यस्त नहीं रहते हैं, फिर भी निज कर डासे नागरे पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज
तब पार्वती भलय सर जानी कई भगवान शिव बाघंबर उठाए और अपने कथा वृक्ष के नीचे बिछाए पधराए बैठे शांत होकर बैठे। कभी कभी शांत भी बैठना चाहिए। चुपचाप एकदम शांत बैठो। क्या करें महाराज, कुछ करो नहीं, शांत बैठो। बैठे सोह कामरिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसे शिव जी बैठे, जटाओं का मुकुट, देव नदी गंगा शीश में नलिलि पुष्प के समान भगवान शिव के नेत्र दिव्य, कंठ में विष लावण्य के खजाना, लावण्य के कोश, बाल चंद्र चंद्रशेखर के ललाट पर शोभायमान है, ऐसे प्रभु शिव जी शांत बैठे। माँ पहुंच गई, भगवान शिव ने आदर किया है, वामांग में आसन दिया। जानि प्रिया आदर यति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीना, पति ही हेतु अधिक अनुमान बिहसि उमा बोली प्रिय बानी। माँ भगवती भगवान शिव को प्रसन्न जानकर बोली, हे बाबा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लूं। भरद्वाज ऋषि जी पूछते हैं याज्ञवल्क महाराज से, हे देव, क्या पूछना चाहती है माँ भगवती? ऋषि जी बोले, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जैसे जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जैसे ले कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन देवाधिदेव जगदीश प्रभु, आप
सर्व समर्थ हैं, जड़ चेतन सब आपकी सेवा में, सर्वज्ञ हैं आप, सारे कलाओं गुणों के धाम हैं आप, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, आप साक्षात कल्पतरु हैं प्रभु। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, स्वीकार करते हैं मैं आपके श्री चरण की सेविका हूँ, तो भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरे अज्ञान का आप हरण करिए। क्यों? क्योंकि जिसका निवास, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे होए, वो दैन्यता का दुख क्यों सहन करे। इसलिए नाथ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे संशय का समापन करिए। अनुमति मिली, बोलती गई माँ, बाबा जो परमार्थ तत्व के वेत्ता ऋषि मुनि लोग हैं, प्रभु राम को ब्रह्म आदि अंत से हीन ऐसा बताते हैं, शेष नारायण, सरस्वती जी, वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं, आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जप करते हैं, है काम शत्रु राम जी वही अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा अजन्मा, तीनों गुणों से रहित, अलख, अनादि कोई और हैं, राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में उनकी मति भ्रमित कैसे हुई। चरित्र देखकर वन में, महिमा सुनकर ऋषि जी से हमारी बुद्धि में ब्रह्म उत्पन्न हुआ। इच्छा रहित, सर्वव्यापी कोई और तत्व है, हे नाथ वो भी समझा कर कहिए, मैं अज्ञानी हूँ, प्रश्न में कोई चूक हो तो उसको क्षमा करिएगा। मैंने पिछले जन्म में भगवान की प्रभुता वन में देखा, तब मन में मलिनता थी, मेरे मन को प्रबोध नहीं हुआ, आपके समझाने पर भी नहीं हुआ, समझाने पर भी जो बोध नहीं हुआ उसका मैंने भली भांति फल पा लिया। तब वाला अज्ञान अब नहीं है ठाकुर, मेरी राम कथा में रुचि है। यहां एक बात है, कथा सुनते सब हैं, समझ सबके नहीं आती। जिसकी कथा में रुचि हो, कथा उसी की समझ में आती है। बहुत सुनते, कई लोग तो कहते हैं महाराज मजा आ गया। ध्यान रखना होगा, कथा में मजा नहीं आता, कथा में आनंद आता है, मजा विषय में आता है। आजकल तो मजा आम फैशन हो गया है, हाँ महाराज मजा आ गया, अच्छा हुआ मजा नहीं आता है। कथा आनंद का प्रसंग है साहब, एक बार रस लग गया तो फिर क्या कहें, ये आनंद, आनंदमय कथा, आनंद की कथा, आनंद बढ़ा देती है। प्रभु पिछली बात नहीं, अब मेरी रुचि है। तब कर अस विमोह अपनाही, क्योंकि राम कथा पर रुचि मन, मेरे मन में राम जी की कथा में अब रुचि जग गई। अस्तु हे नाथ, भगवान की पवित्र राम कथा हमको भावपूर्वक सुनाई, श्री चरणों में वंदन करती हूँ। क्या सुनाइए, ये भी माँ ने कहा, बंदौ पद धरि धरनि सिर विनय करौं कर जो, वरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति से धाम। ने कहा मैं स्त्री हूं, निरंतर कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं,
ये विवादित प्रसंग है। क्यों? आजकल तो माता लोग कथा भी सुना रही हैं। कोई माता कह रही थी मैं तो महीने में 300 दिन कथा करती हूँ, फिर तो बड़ा विकट हो जाएगा सब। लिखा है यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी। क्यों? अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कुछ समय ऐसा होता है जो हर कार्य अनुष्ठान के लिए निषेध किया गया, लेकिन दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जन पावहि। आरत अधिकारी, अधिकारी माने योग्य, कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक जो पालन कर सके वही अधिकारी है। इसके लिए क्वालिटी टेस्ट होता है। जब अगस्त जी ने कथा सुनाई तो बाबा भोलेनाथ पूछे कि हम आपको दक्षिणा क्या दें? क्या बोले? अरे हमको राम भक्ति दीजिए। किसने कहा? अगस्त जी ने। कल पहले दिन की कथा में कल ही सुनाया था। एक बार त्रेता युग माही मुनि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। राम भक्ति के अधिकारी थे इसलिए कहा। थोड़ा अधिकारी थे भाई, देखो बढ़िया रखने के लिए बढ़िया रहना पड़ेगा। दरिद्र आदमी बढ़िया नहीं रह, तो बढ़िया कथा सुनना हो तो फिर बढ़िया व्यवस्था में रहना पड़ेगा ना। शिव जी ने तभी अधिकारी कही अधिकारी पाई। बनना होगा, कैसे बनना होगा? कर्तव्य पूर्वक, जो कर्तव्य करता है वही अधिकारी हो जाता है। अधिकारी बनने से कोई अधिकारी नहीं होता, जो कर्तव्य करता है वही अधिकारी बन जाता है। मां ने कहा यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। और ये पूरी कथा भगवान शिव ने मां भगवती पार्वती जी को सुना दी। देखिए अपने घर से बढ़िया कथा कहीं नहीं हो सकती, घर की कथा सबसे बढ़िया कथा। अपने घर से प्रारंभ होइए, फिर क्या आनंद होता है। जिसकी अपनी कथा बढ़िया है वही दूसरे की कथा बढ़िया कर सकता है। भगवान शिव के घर की कथा बड़ी अच्छी है, इसलिए सबसे अधिक पूरे धरती पर ब्रह्मांड में सबसे अधिक सेवा शिव जी की होती है। क्यों? शिव जी राम भजन करते हैं, सब शिव जी का भजन करते हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु वध तजी सती असना। ऐसी निष्ठा इष्ट के प्रति होनी चाहिए। कैसी? जैसी बाबा भोलेनाथ की। मेरी अर्धांगिनी ने मेरे प्रभु की परीक्षा ली। हाँ 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 ना, हाँ राम राम राम, अब भेंट नहीं होगी। यही तन सती भेंट मोही। ऐसी निष्ठा, ये गृहस्थी है। भगवान का भजन करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, केवल पकड़ना है। क्या पकड़ना है? भगवान को पकड़ना है। अब चाहे जहां रहो, गृहस्थ रहो, ब्रह्मचारी रहो, वानप्रस्थी रहो, सन्यासी रहो, पकड़ो क्या? भजन पकड़ लो।
भगवान को पकड़ लो। सब अपने अपने काम से, मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जो संग्रह करते हैं वो चलना नहीं है, और जो चलना है उसका संग्रह नहीं होता। संग्रह भजन का करना है, जो सर्वकाल साथ है। बाबा माँ के प्रश्नों पर शिव जी गदगद हो गए साहब। प्रश्नव माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भा, हरहि राम चरित सब आई, प्रेम पुलक लोचन जल छाई। भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गया साहब। इष्टदेव का श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परम सुख अमृतमय सुख प्राप्त किया, महत सुख मिला, अमित सुख, परम सुख क्या, भगवान का स्वरूप हृदय में अवतरित हो गया। ऐसा दिव्य सुख उतरा, कैसे, भगवान श्री रघुनाथ जी का दिव्य स्वरूप हृदय में, और आंख बंद हो गई, मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तव हर्षित बल। 48 मिनट एक दंड में, 24 मिनट होते हैं। बाबा भोलेनाथ 48 मिनट ध्यान में अवस्थित हो गए। ठाकुर के रूप के रस माधुरी में अवगाहन करने लगे, आनंद में निमग्न हो गए। मन को बाहर किया, क्यों, अब आंतरिक सुख में प्रवेश कर जाएंगे तो कथा नहीं होगी। वक्ता को मन को बाहर करना पड़ता है। मन जब बहिर्भाव में जाता है तो अन्यान अनेकानेक कथाएं लाकर वह अलौकिक कथा को लौकिक कथा से, जागतिक व्यवहार से सिद्ध करके श्रोता के मन में, हृदय में, चित्त में, अहम में बिठाने का यत्न करता है। बाबा ने बाहर किया और अब व्याख्या शुरू की राम जी के स्वरूप की। देवी झूठ सत्य जाय ही बिनु जा, जिम भुजंग बिनु रजु पहिचाई, जे ही जाने जग जाय जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसको न जानने पर ये झूठा जगत ही सत्य जान पड़ता है, ये जगत झूठा है। क्यों, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। भगवान थे, हैं और रहेंगे। रस्सी सांप तब तक जान पड़ती है जब तक प्रकाश न हो, अंधा अंधकार हो, अंधा व्यवहार हो रहा हो, अंधकार में पांव पड़ गया, फ्लैट के कक्ष में भी लगता है सांप आ गया, फ्लैट में कहां से सांप आ जाएगा। अंधकार ही रस्सी में सर्प का भास करा देता है, बोध करा देता है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ट्यूबलाइट का, अरे तो रस्सी है, भय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जैसे भगवान का बिना बोध हुए प्रभु के भाव में हमारी सत्य अवस्था न प्रवेश करे तो ये जगत सत्य जान पड़ता है, जबकि है झूठा। जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं, क्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। कैसा मिथ्या, मिथ्या माने झूठ नहीं होता है। जब तक वो न मिल जाए, वो न दिख जाए, तब तक ये सत्य जान पड़ता है।
और जिसको जान लेने के बाद जे ही जाने जग जाए हेराई, कैसे जागे जथा सपन ब्रह्म जाए। जिसको जान लेने पर यह जगत गायब हो जाता है, जैसे सपना देख रहे थे, सपने होई भिखार नृप रंक नागपति होई, लेकिन जाग गए तो सब खेल समाप्त। अरे कहाँ थे, क्या हो गए। जे ही जाने जग जाए जागे जथा सपन ब्रह्म जाए। ये किससे, भगवान के बोध से, भगवत प्रकाश से, भगवत साक्षात्कार से, हमारे हृदय के विश्वास के परिणाम स्वरूप यह अवस्था आती है। सुनने की कथा नहीं है, यह गुनने की कथा है, यह समझने की कथा है। ये जिनकी कृपा से ये अवस्था प्राप्त होती है साधक को, उन भगवान का मैं स्मरण करता हूं। धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। धन्य कौन, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जे हरि रंग रहे। कौन धन्य है, जो भगवान में रम गया। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाय जे हरि रंग रहे। कलयुग में बाबा कहते हैं, जो राम जी में रम गया, भगवान की कथा में रम गया, वो राम जी में रम गया और भगवान शिव जी ने राम जी का तो स्मरण किया और अपनी श्री राम कथा, इष्ट देव की कथा को सुनने के लिए जिन्होंने रचना बनाई, उन माँ का धन्यवाद ज्ञापित किया। कैसी बात है, देखिए कलयुग में, वैसे तो हर युग में भगवान की कथा होती रहती थी, तब भी होती थी, अब भी होती है। यही कलिकाल कठिन उर्गारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, यह कलयुग बड़ा कठिन है। काग बसुंडी जी तो कहते हैं कि इससे कठिन पिछला वाला था, जिसमें मैं अवध में जन्म लिया। अपनी कथा उत्तरकांड में सुनाते हैं काग बसुंडी जी गरुड़ जी महाराज। युग सब सम है, सब सम है युग। सतयुग में कथा घर घर होती थी, त्रेता में कथा तीर्थों में होती थी, द्वापर में कथा भगवान के धाम और मंदिरों में होती थी। कलयुग में जहां भगवान के भक्त लोग रचना बना दे, वहां भगवान की कथा होती है। जहां रचना बना दे, कठिन है। कहा ना बाबा ने, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देज एहि मार्ग सोई सोई। बहुत कठिन है। शिव बाबा यही कहते हैं, आप धन्य हैं, धन्य हैं, नहीं तो मेरे पास कहां फुर्सत है, मेरे पास कहां समय है, मेरे पास कहां टाइम है। लोग आके घेरे रहते हैं देवता महाराज। आपने रचना बनाई, कथा सुनाओ, इसलिए आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। बोहरा परिवार को धन्यवाद देता हूं। कथा की रचना
वो भी एक का नाम है हो बरहरवा, बरहरवा कितना दूर है, जहाज जाए होते तो पता ही नहीं चलता कि कितना दूर है, 5 घंटा में आ जाते। यहाँ कथा की रचना मैं विजय बाबू को सपरिवार सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मेरे बड़े भैया परम श्रद्धे आदरणीय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी, जिनका भाव आया। ये तिथि मेरी खाली नहीं होती है, कहीं और थे लेकिन भैया तो हमारे मुखिया हैं, परिवार के सब संस्थाओं के मुखिया हैं। नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, वहीं आना है बस, उनका तो बोलना अपना है, हो गया। और कहीं रहते हैं क्या, तीर्थ में भी आज तक 9 दिन कथा नहीं सुने कहीं, 9 दिन वो हैं, यही बड़ी कथा है। अयोध्या जी में भी 4 दिन सुन पाते हैं बेचारे। तो ये आना कलयुग में राम जी की कथा कराने का संकल्प आना, ये भी धन्यता है साहब, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत काम है करने को, बहुत है का का कीजिए। साधु और संत सब हृदय में विचार कहे, लेने को बस केवल राम नाम लीजिए। ओह ले तो रहे। तो धन्य धन्य कौन जिसके चित्त में राम जी की कथा सुनने की ललक बन जाए, सुनने की कथा आग्रह है, कथा निवेदन है, कथा प्रार्थना है, कथा पुण्य का परिणाम है। हमको बहुत आनंद होता है जब कोई कहता महाराज कुछ सुनाओ, क्या सुनाओ, कथा सुनाओ, क्या सुनाएंगे, यही कथा है साहब। बाबा बड़े गदगद भय बोले, देवी आपके मन में राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन मा शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। मेरे भाव से मेरी समझ से आपके मन में स्वप्न में भी शोक नहीं, संदेह नहीं, भ्रम नहीं, कुछ नहीं। तदपि अशंका कहत सुनत सब कर हित हो। आपने ऐसे प्रश्न किए जिसको कहते सुनते सबका भला हो। और यहाँ बाबा ने 4-5 बड़ी अद्भुत बातें कही, जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई उनके कान का जो छिद्र है वो सांप के बिल जैसा, जिन नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, संत दर्शन नहीं किए, वो मोर के पंख पर लगे नेत्र जैसे, वो सिर कड़वी लौका के समान, जो श्रेष्ठ के सिर चरण में नमन न करे, वंदन न करे, छाती कठोर वज्रवत, जहां भगवान का भाव हृदय में न आवे, जिह्वा जो राम गुणगान न करे, चमगादड़ की जिह्वा के समान, हृदय में भगवान ही आई वो जीते जी शव के समान। हे गिरिराज पुत्री धीरता पूर्वक, देखो भाई कथा के लिए धैर्य बहुत आवश्यक, कथा के श्रोता को बहुत धीर बुद्धि होना चाहिए। कथा अस्थाई भाव है, रस है जहां आ गया वहां रुक जाएगी। भाव बन गया वहां रुक जाएगी बात। देवी ये कथा साधुजनों का, संतों का, देवजनों का मंगल करती है, असुरों को विमोहित कर देती है। हे राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी,
सत समाज सुर लोक सब कौन सुने अस जा। सत्य समाज में देव लोक में ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा, क्या जानकर कि राम कथा कामधेनु है। मैंने पहले दिन ही आपको सुनाया था कि राम कथा कलिका मद गा सुजन सजीवन मोरी सुहाई। कामधेनु है यह कथा, थोड़ा और, यह कथा कामधेनु है साहब। जिस कामना से आप सुनेंगे वह कामना पूरी करेगी। अनुभव की कथा है, लिखने की नहीं। जिस जिसने जिस भाव से सुना है, सुरहित दनुज विमोहन शिला, आज तीसरा दिन है, फिर कह रहा हूं तीसरा दिन है ना जी, पांच दिन शेष बचा है, अरे एक दिन तो जाना ही है, पूर्णावती है, तो पांच प्रसंग हम आप सुनेंगे, छठे दिन तो विदा है। राम कथा कामधेनु है, बाबा ने कहा राम कथा कलम से वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, राम कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए सुंदर हाथ की सुंदर ताली है। देवी आदर पूर्वक सुनिए, और अनंत नाम गुण अमित कथा विस्तार। भगवान अनंत स्वरूप में, अनंत नाम है, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत कथा का विस्तार। जैसा मैंने सुना, जैसा वेद वर्णन करते हैं, संत शास्त्र गाते हैं, आपके प्रेम को देखकर मैं सुनाऊंगा। सर्वप्रथम तो बाबा बोले राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहिं सयानी। राम जी अतर्क हैं, कोई तर्क नहीं, प्रश्न बड़ा सुंदर, उत्तर उससे दिव्य। मां ने पूछा निर्गुण भगवान सगुण कैसे भय, जो नृपतनय तो ब्रह्म किम नार बिरह मति भोर, क्या कहा। बाबा ने कहा देवी निर्गुण सगुण नहीं भय, सगुण निर्गुण नहीं भय, क्यों, दोनों एक ही है, सगुण नहीं अगुण नहीं नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख यज जो केवल भगत प्रेम बस सगुण, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल और बर्फ जैसे दोनों एक ही है, वह अपने निर्गुण स्वरूप में द्रवीभूत रहता है, फिर जब सगुण रूप लेता है तो ठोस बन जाता है। वैसे परमात्मा सहजावस्था में निर्गुण भाव में रहते हैं, भगत जिस स्वरूप की कल्पना करता है भगवान उसी स्वरूप को लेकर उपस्थित हो जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं, हाजिर होते हैं। कब, भगत प्रेम बस सगुन तो स्वरूप क्या है। बाबा बोले आज तक कोई जान नहीं पाया, सबने केवल अनुमान किया है। क्या पंक्तियां जगत प्रसिद्ध हैं, सब गाइए। बिन पद चले सुनई बिन काला कर बिन Oh,
दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान। जिसको ऐसा गाते हैं वेद नारायण बुद्धिमान पंडित ज्ञानी विज्ञजन मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, मुनि लोग जिनका मनन करते सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान। यही कथा पूरी कर दी भगवान शिव ने। यही तो प्रश्न था, जो नृपतन यत ब्रह्म किमिनावर बिरहमत धो देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बोध जहि इमिगा वहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान। काशी मरत जंतु अवलो जासु नाम बल कर राम सो परमात्मा भवा। बाबा कहते हैं देवी राम जी वही परमात्मा है, हम आप जीवात्मा हैं, राम जी परमात्मा हैं, और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की यात्रा में जो हमारा मार्गदर्शक है उसका नाम महात्मा है। महात्मा जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है, प्रतिनिधि है। क्या बोलेंगे उसको, प्रतिनिधि? बड़ा काम है प्रतिनिधि का, बहुत काम है। जन प्रतिनिधि, निज प्रतिनिधि, संवाददाता बोलेंगे ना, इधर का संवाद उधर देने वाला संवाददाता प्रतिनिधि। महात्मा जगत के परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, परमात्मा की बात जीवात्मा को सुनाकर परमात्मा तक पहुंचावे वह महात्मा। कितना सुंदर बाबा ने मां से कहा, यही कथा जो बाबा सुना रहे हम आपको गा के सुना रहे, अद्भुत बात। देवी मेरे प्रभु का सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिधि गोपद इवतर। आदर पूर्वक, पहले लिखा आदर पूर्वक नहीं, ऐसे तैसे चाहे जैसे बिबसहुं जासु नाम नर कहें। जन्म अनेक रचित अघ, जन्म जन्मांतर के अनेकानेक उपस्थित पापों को भी केवल एक बार भगवान का नाम ले ले जीव भस्म कर देता है। ऐसे भी न चाहते हुए भी निकले राम तो पाप भस्म हो जाते। अब आदर पूर्वक जो जप लेता है वो संसार को गौ माता के खुर जैसा पार कर देता है। सादर सुमिरन जय नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। ऐ आदर पूर्वक हो, कैसे आदर? श्री राम जय राम जय जय राम। देखो भगवान का नाम ऐसा लिया जाए कि जो न ले रहा हो उसको भी लेने का मन करे। राम हरण घुमवाना पड़ा ना, इसलिए ऐसा न नाम लिया जाए जिसको सुनाई पड़े उसके कान में गरम तेल पड़े। प्रेम झलकना चाहिए,
सादर सुमिरन जे नर करई भव बारिधि गोपद धीरे धीरे अभ्यास करने पर आदर बनता है। छोटा बच्चा जैसे पढ़ने से भागता है वैसे नया भगत भजन से भागता है। आप कहो कीर्तन में चलो, कहाँ सोते हैं आप? बाहर जो खम्हिया है ना उसके बगल वाले कमरे में। आप जब जगाने जाएंगे तो अंदर वाले कमरे में सोया मिलेगा। क्यों? जगा के भजन में ले जाएंगे। सवेरे 4 बजे कीर्तन होता है उसी में ले जाएंगे। अंदर सोए बताएगा कहीं, सोएगा कहीं। भजन में मन नहीं लगता। पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जर के तापते क्षुधा स्वयं चली जाए। एक कर इसको करना पड़ता है, जबरन करना पड़ता है साहब। जीव जागता कम है भागता बहुत है। और कृपा के लिए तो परमात्मा शिव ने कहा है मन क्रम बचन चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन से वाणी से और कर्म से चतुराई। जो चतुर होता है उसको नहीं लगता है, जो करता है उसको नहीं लगता। जिसके साथ चतुराई होती है उसको लगता है। बाबा ने कहा राम जी परमात्मा वहां ब्रह्म नहीं। देवी आपका प्रश्न है राम जी ब्रह्म है तो नर शरीर क्यों धारण किए? कहन भगत प्रेम बस। कब कब? आगे भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म के 5 कारणों का प्रकाश कर दे भगवान शिव। आपको संक्षिप्ततः सुनाकर मैं जन्म महोत्सव में आपको ले चलूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।